तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा जरूर देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर भी करना। तो बात कर लेते हैं आसिम रियाज की। खतरों के खिलाड़ी के अंदर आसिम रियाज अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। क्या मेकर्स ने कुछ अच्छे से प्लानिंग कर रखी है? क्या अपने उस खिलाड़ी को जिसने बिग बॉस 13 के अंदर तहलका मचा दिया था, जिसके शोहरत आसपास कैमरे और मीडिया रहती थी, वो अब मीडिया से क्यों बच रहा है? उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। और साथ के साथ आपको हम बता दें कि जैसे बाकी टेस्टेंट अभिषेक शानिन बनोटो, वो लगातार वीडियो बना रहे हैं, अपने ब्लॉग बना रहे हैं। आसिम रियाज का भी अपना ब्लॉग चैनल है, लेकिन वो अपने ब्लॉग चैनल पे अभी तक कोई ऐसा वीडियो शेयर नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे फैंस को कुछ न्यूज मिल चुके कि भैया आसिम अभी क्या कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ बच क्यों नहीं? अब कारण ये है कि ना ही मीडिया को कोई उन्होंने इंटरव्यू दिया या पपरासी के साथ कोई फोटो क्लिक करी, चुपचाप पहुंच गए खतरों के खिलाड़ी के अंदर अपना दमखम दिखाने के लिए। और ये सपना तो था, और उन्होंने कई बार कहा भी है कि लास्ट मोमेंट में मुझे याद करते हैं तो मैं क्यों जाऊं। 36 का आंकड़ा है कलर्स के साथ। मैंने कई वीडियो में कहा है कि बिग बॉस 13 के बाद और रूमर को निकालने के बाद काफ़ी खफा थे कलर्स से आसिम रियाज। लेकिन उसी खिलाड़ी को जिसको सबसे कम अमाउंट में बिग बॉस 13 में लेके आए थे, एक घंटे पहले उन्हें बुलाया गया था, आज सबसे ज़्यादा पैसे लेके वो खतरों के खिलाड़ी के सीजन का हिस्सा बने। और साथ के साथ क्या मेकर चाहते हैं कि प्रोमो इतना जबरदस्त बनाए? और मैं 100% आपको कह सकता हूं, लिख के ले लो, बिग बॉस OTT सीजन 3 से ज्यादा खतरों के खिलाड़ी हिट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा कंटेस्टेंट गया जिसके दीवाने, जिसको लोग देखना चाहते थे, जिसके कलर्स पे एक अलग बेंचमार्क सेट कर दिया था बिग बॉस में कि गेम कैसे खेली जा सकती है। और साथ के साथ उनको चाहने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है कि जो प्रोमो आएगा उसी लिए मीडिया के पास आसिम को नहीं भेज रहे हैं, और उन्होंने कहा भैया ये हमारा कॉन्टेंट है, हम इसको अपने हिसाब से प्रोमो काटेंगे और उसी हिसाब से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ हो सकती है। साथ के साथ बच क्यों नहीं, ये भी है कि ये शोहरत है बिग बॉस के बाद, जो एक डेढ़ साल तक मीडिया आपके आसपास रहती है, आपके फोटो क्लिक करती है, सब कुछ करती है, वो दौर आसिम रियाज ने देखा है कि आसिम रियाज अगर बिग बॉस के बाद कहीं चले जाते थे तो हज़ारों की भीड़ लगती थी और आसिम 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 लोग आवाज़ लगाते थे। तो और साथ के साथ आसिम ने एक चीज़ और भी नोट कर ली इंडस्ट्री में रह के, और कई बार उन्होंने ये चीज़ कही भी है कि अगर आप मुझे प्यार करते हो, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ अगर आपको वो अच्छी लग रही है तो मुझे फॉलो करो, अगर नहीं लग रही तो मुझे अनफॉलो करके आप चले जाओ। ये आसिम रियाज ही कह सकते हैं, जो अपने फ्रेंडम को भी कहीं ना कहीं ये कहने की बात समझा देते कि भाई मैं ऐसा हूँ, मुझे पसंद कर रहे हो तो करो, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं करूँगा। और यही चीज़ थी सिद्धार्थ भाई में भी, जिन्होंने एक्स पे भी एक बार कमेंट करके जब उन्होंने भी जवाब दिया था कि भाई मैंने नहीं कहा कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम खुद अपनी मर्जी से आए हो। तो इन दोनों को इसलिए गेम में अलग बनाया रखा था क्योंकि इनका एक ओरा ही अलग था, आसिम रियाज हो या सिद्धार्थ भाई हो। लेकिन अब मीडिया जो लगातार ढूंढ रही है, जो आंखें, और मीडिया तो जाएगी खतरों के खिलाड़ी के अंदर, मतलब 13 के अंदर भी खतरों के खिलाड़ी के अंदर मीडिया को कलर्स साले भेजते हैं साउथ अफ्रीका कैपटाउन, वहाँ पे वो इंटरव्यू लेते हैं, उन लोगों से मिलते हैं। तो क्या एक ऐसा राउंड भी होने वाला है जिसमें मीडिया दोबारा कैपटाउन जाओगी, इन लोगों को कवर करेगी, इन लोगों से बातचीत करेगी, इन लोगों के इंटरव्यू लेगी? तो हो सकता है कि आसिम को इसलिए भी ना दिखाया गया हो और कहो कि भैया यहाँ आना पड़ेगा इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन बच रहे हैं, अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं, मीडिया को अच्छे से जानते हैं, बहुत ट्रोलिंग करी है, बहुत टारगेट किया है मीडिया ने, इसी मीडिया ने बिग बॉस के बाद भी, इसमें ऐसी मीडिया भी थी जो लगातार आसिम के साथ रही है। तो वो दौर आसिम ने देख रखा है जिसमें शोहरत और जिस हिसाब से उनका जलवा था बिग बॉस 13 के बाद, वो सब कुछ उन्होंने देख रखा। तो इन चीज़ों में वो नहीं है और अपना फोकस खाली गेम पे रखते हैं। उन्होंने कहा भी है खुद भी कि भाई अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा, अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं दूसरों को देख के नहीं चलता हूँ। तो ये खुद आसिम रियाज कह चुके हैं, प्रोमो बहुत तगड़ा आएगा, उसी पर सब चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और जब प्रोमो आएगा आसिम रियाज का, वो देख के कहीं ना कहीं आसिम स्क्वाड भी कहेगा कि वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। कमेंट करके बताएं कि आपकी इस पर है क्या राय, और क्या बिग बॉस OTT 3 या फिर खतरों के खिलाड़ी सीजन 14, किस पे आपको इंटरेस्ट और क्या देखना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर जवाब देना आप।